ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं जो जिसमें स्नेल्स बहुत हैं, मिलीपीड्स हैं, सेंटीपीड्स हैं। मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स में थोड़ा सा फर्क है, ये हैं तो इंसेक्ट्स लेकिन इनके जो है वो जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो वेरी करती हैं हर सेगमेंट के साथ। ये छोटे छोटे रेंगने वाले जो है वो इंसेक्ट्स हैं, बाजूगत इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है और नेकेड आई से नजर आता है। इन रेन फॉरेस्ट में वाकई कभी अगर चलने का इत्तेफाक हो तो आपको इतनी बड़ी सारी जो मकड़ी है वो कहीं फर्श पे बैठी हुई उस जो है वो जहां जो रास्ता है जहां से गुजरना है वहां पे आपको नजर आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा सा मिलीपीड जो है वो किसी दरख्त के पत्ते के साथ लटका हुआ जो है वो नजर आ जाएगी। ये वो आम जो है वो सीन है जो हम इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से गुजरते हुए जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो हायर एनिमल्स हैं, जो लार्जर एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो है वो कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इसमें जो है वो स्लॉथ्स, ये जो है वो आर्बोरियल इन नेचर है। स्लॉथ्स जैसे ये चूंकि वहां पे दरख्त बहुत हैं और जो है इस तरह के दरख्त हैं जिनकी बड़ी ब्रांचेस हैं, लिहाजा ये उल्टे लटकने वाले जो है वो मैमल्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। आंट ईटर जो है ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये आंट ईटर, ये इसका मुंह जो है ये है वो इसमें कोई दांत नहीं है बल्कि ये ऐसे जैसे इसका प्रोबोसिस होता है, लंबा सा हो जाता है और जुबान स्टिकी सी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो खो में, कहीं दरख्तों की खो में, कहीं जो है वो किसी पत्थर के नीचे जो है जहां पे चूंटियां बहुत ज्यादा हो, जहां कहीं टर्माइट्स हो, तो ये अपना लंबा सा मुंह घुसा के अपनी जुबान बाहर निकाल के उन आंट्स को, उन टर्माइट्स को जो है वो स्टिक करके बाहर जो है वो निकाल देता है। ये इसका जो है वो फूड है। यहाँ पे मॉन्कीज जो है वो पाए जाते हैं। इन मॉन्कीज को जो है इनकी, चूंकि हम इन्हें न्यू वर्ल्ड के मॉन्कीज कहते हैं, लिहाजा इनकी जो शक्लें हैं वो ओल्ड वर्ल्ड की मॉन्कीज से जो है वो हमेशा छोटी होती हैं। फ्लाइंग स्क्विरल, कभी भी हमने नहीं सुना कि जो गुलहरी है वो कहीं उड़ सके, लेकिन इन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है वो फ्लाइंग स्क्विरल, ये देखें इनके जो है वो फोर आर्म्स और लेग के दरमियान जो है ये एक फर वाला जो है वो हिस्सा है जो कि इसको बेसिकली ये फ्लाइंग नहीं करती है, ये ग्लाइड करती है एक ऊंची शाख से नीचे और जो है थोड़ी सारी नीची शाख से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ऊंची शाख तक जो है वो ग्लाइड करके जा सकती है। इस तरह इसको अपने शिकार में जो है वो आसानी होती है, बल्कि ये शिकार से बचती है अपनी इस ग्लाइडिंग नेचर की वजह से। फिर आपको फ्लाइंग जो है वो फ्रॉग्स नजर आएंगे यहाँ पर। फ्लाइंग फ्रॉग्स जैसे कि इसके जो है वो पांव आपको नजर आए कि इसको वेब है ताकि वो स्टिक कर सके किसी जो है वो दरख्त के साथ, किसी जो है वो पत्ते के साथ। ये भी अगेन ग्लाइडिंग जो है वो करते हैं, लेकिन ये जो है वो मॉइस्ट जहां पे जगह हो वहां पे रहेंगे। स्पाइडर मॉन्की, ये स्पाइडर मॉन्की जो है वो अपनी शक्ल और इस किस्म की जो है वो शबाहत की वजह से स्पाइडर कहलाता है कि स्पाइडर का मुंह अमूमन बहुत छोटा लेकिन ये एब्डोमिनल पोर्शन जो है वो जरा बड़ा होता है। तो इतने खूबसूरत जानवर जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते और वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो आपको इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नजर आएंगे। इनको खाने के लिए बहुत से अल्टरनेट जो है वो फूड सोर्सेज वहां पर अवेलेबल है। वहां पे जो है वो दरख्त बहुत है तो जो इनको मॉन्कीज जो है जिनको दरख्तों पर रहना पसंद है, ऊंचा नीचा भागना पसंद है क्योंकि वो अपने प्रीडेटर से जो है वो भाग सकते हैं, उनको कोई जो है वो दुश्मनों से पनाह मिल सकती है, बहुत ऊपर शाख तक जा सकते हैं, तो ये वहां पे जो है वो कुदरती तौर पे जो है जानवर पाए जाएंगे। यहाँ पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत बर्ड्स में से एक है। कैंस और मकाउस जो है ये पैरट्स की किस्में हैं, पाई जाती हैं और इनकी बीक्स जो है और इनके जो कलर्स हैं वो इनको रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है उनके जो पैरट्स उनसे बिल्कुल डिफरेंट है वो रखती हैं। अमूमन अब हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर जहां पे एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स हैं या कहीं जू है वहां पे ये मकाउस जो पैरट्स हैं इनको समहाउ जो है वो इम्पोर्ट करके जो है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा गया है। अमूमन उस जगहों पर जो है वो बच्चों को या बड़ों को इंसेंटिव दिया जाता है कि इस बड़े से जो है जो बड़ा कलरफुल सा जो पैरट है इसको अपने बाजू पे बिठाएं, इसके साथ तस्वीर बनाएं। तो उस वक्त तो शायद आपको कभी याद ना आए कि ये पैरट्स जो है ये कहाँ से आए हैं। ये दरहकीकत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले नेचुरल जो है वो पैरट्स हैं और इनका नाम भी आपको शायद कभी ना आए, तो इसको याद रखिए कि ये जो है वो मकाउज हैं और इनके कलर कितने खूबसूरत जो है वो अल्लाह ताला ने बनाए।
कि बिल्कुल जो है वो ब्लू के साथ एकदम से जो है वो यहाँ पे येलो या मस्टर्ड आ गया है, ब्लू के साथ एकदम से जो है रेड आ गया है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड जो है तीनों कंट्रास्टिंग कलर्स जो है वो स्ट्राइकिंग जो है वो कलर्स जो है नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बर्ड्स जो हैं ये इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टुकेंस जो हैं इनको अमूमन जो है वो इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं वहां पर जो कि पाई जाती हैं, तो उन मुख्तलिफ किस्मों से भी जो है बहुत सारे ऐसे परिंदे जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जो है अब नजर आते हैं जिन्हें हम एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैमलियन गिरगिट की तरह रंग बदलना इंसान के अंदर अगर ये फितरत है तो नहायत नामुनासिब समझी जाती है, लेकिन ये कैमलियन की एक किस्म नहीं, कैमलियन की तकरीबन जो है वो 50 के करीब जो है वो किस्में हैं और उसमें जो है वो तकरीबन 40 के करीब किस्में जो हैं वो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती हैं। कैमलियन का काम क्या है, ये जो है अपनी जो कलर पैटर्न है इस स्किन का, ये जो है वो अपने बैकग्राउंड के जो है वो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस तरह जो अपने दुश्मन से जो है वो ये बच जाते हैं। और सम टाइम इसका जो कलर पैटर्न है वो जो चेंज होता है तो कलर इतने जो है वो स्ट्राइकिंग होते हैं या बुरे लगते हैं या वो इतने जो है वो एग्रेसिव से लगते हैं कि जो इसके प्रेडेटर हैं वो इसके करीब नहीं आते। इस तरह नेचर ने जो है वो इसको अपने ही जंगल में रहते हुए जो है वो प्रेडेटर से पनाह या जो है वो भाग जाने का एक खूबसूरत सारा तरीका स्किन कलर की चेंज की सूरत में जो है वो दे दिया है। तो इससे पहली वाली स्लाइड और इस स्लाइड में अगर हम इन जो है वो फाना को देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो अभी तक हमें इतना डाइवर्स और इतना खूबसूरत इतना स्ट्राइकिंग कलर्स वाला जो है वो फाना किसी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नजर नहीं आता है जितना इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नजर आता है। ये मकाउज वगैरह जो है ये अमेजोन्स के जंगल में, इंडोनेशिया जो है उसके जो जंगलात हैं जो उसके जजीरे हैं वहां ये बहुत आम जो है वो पाए जाने वाले परिंदे हैं। इसी तरह कैमलियन इन जंगलों में आम पाए जाने वाला जो है वो एक रेप्टाइल है जो कि अपनी कलरेशन की वजह से बाज़ुकात जो है वो छुप जाता है और बाज़ुकात वो जो है अपने प्रीडेटर से जो है उसको एग्रेसिव करके उसको डिफेंसिव सब बिहेवियर शो करके जो उसको साइड पे कर देता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पकड़ा जाए। तो नेचर अपनी तमाम तरह खूबसूरती के साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मौजूद है, चाहे दरख्त या उसके जानवर।